हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। आज हम ब्रेड टिक्की टोस्ट बनाएंगे। हम स्टफ़ की हुई ब्रेड की टिक्कीज़ बनाएंगे और इन्हें हम फ्राई नहीं करने वाले हैं, अलग तरीके से इन्हें बनाएंगे जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए देखते हैं टिक्कीज़ को कैसे बनाना है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि अगली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं। इन्हें हम मैश कर लेंगे अच्छे से। मैश करने के बाद इनमें मसाले डालेंगे, तो आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। बस हम इतने ही मसाले डालेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इस रेसिपी को नहीं करेंगे बिकॉज हम इन्हें बच्चों के लिए बनाने वाले हैं। तो ये स्टफिंग रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ मैंने ब्रेड की स्लाइस ली है। इसे मैं ग्लास की हेल्प से ऐसे कट कर लूँगी राउंड शेप में। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से राउंड शेप यहाँ पर स्लाइस का आ गया है। इसी तरीके से दूसरी स्लाइस को भी हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो ये दोनों स्लाइसेस यहाँ पर रेडी है। अब मैंने बाउल में थोड़ा सा यहाँ पर पानी लिया है। अब ब्रेड की स्लाइस को हम पानी में डिप करके थोड़ा सा वेट कर लेंगे और एक्सेस वाटर को जो है हम ऐसे निचोड़ लेंगे। इसी तरीके से दूसरी स्लाइस को भी हम पानी में डालकर थोड़ा सा गीला कर देंगे और इसे जेंटली प्रेस करके पानी जो है एक्सेस उसको निचोड़ लेंगे। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे इसे हाथ में ले लेंगे। इसे हम अच्छे से बाइंड कर लेंगे और आलू की स्टफिंग को हम इस स्लाइस पे रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइस ली है। मेरे पास ये थी तो मैंने ली है, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इस स्लाइस का छोटा सा पोर्शन मैं इसके ऊपर रख दूंगी। अब दूसरी स्लाइस से हम इसे कवर कर लेंगे और दोनों हाथों से जेंटली ऐसे प्रेस करके राउंड शेप दे देंगे टिक्की के जैसा, और साइड से भी सील कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आ जाए। इसी तरीके से मैंने बाकी दो टिक्कियाँ भी बनाकर रखी है। अब पैन में हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और वन बाय वन टिक्कीज़ को इस पे रख देंगे। टिक्कीज़ को हम मीडियम फ्लेम पर एक साइड से पहले टोस्ट कर लेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद हम इसे पलट लेंगे और दूसरी ओर से भी टोस्ट कर लेंगे। तो जब तक अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाता है तब तक ऐसे पलट पलट कर टिक्कीज़ को हम सेक लेंगे। तो टिक्कीज़ यहाँ पर सिक चुकी हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इन्हें प्लेट पे मैं निकाल लेती हूँ। अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। तो टिक्कीज़ को ऐसे हम प्लेट पे रखेंगे। अब बीच में थोड़ा सा हम टोमेटो सॉस ले लेंगे और स्पून से ऐसे ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। अब कट करके सेंटर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्टफ हुई है टिक्कीज़। बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी लगती है ये टिक्कीज़ खाने में। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो थम्स अप कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।